इजी होते हैं वो, देखो जिसे मतलब गेम खेल सकते हो आराम से ये। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो गाइस, मेरी तबीयत भी अभी भी ठीक नहीं हुई, और एक चीज़ और देखो, इसकी तबीयत और ख़राब हो गई भाई की, और वो सो रहा है। अब सो रहे तू, उठ जा चल। इसको कहीं खा ले, ये खा ले, खड़ा। ऐसे ही होगा जब रात को अकेले अकेले मैगी खाएगा। मैंने एक बाइट मांगी थी, सिर्फ एक बाइट दी, ये नहीं कि दो दे तू। और अभी भाई साहब वोमिट करके हटे हैं, और मेरा अभी यहाँ पे लंच रेडी है। याद बनाइए दाल, एक सेकंड रुक जाओ। ये बनी है दाल आज। कौन सी सब्जी है? आलू गोभी। कौन खाता है यार? जो जो आलू गोभी नहीं खाते वो कमेंट में बताओ मुझे। सो अब गाइस, अब मैं लंच कर लेता हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा लंच मेरा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ऑल सेट गाइस, हमारा ये लंच हो चुका। इसको रख दिया हमने सिंक में, और मेरा भाई बुला रहा था मुझे। कमाल है, मुझे बुला रहा है, ऐसे कैसे हो गया? बुलाया किस लिए? बाल्टी के लिए। इसका कहना है इसको कभी भी वो मिटा सकती है, तो रूम में ही बाल्टी रख दो। कौन सी बाल्टी लाऊं? ले भाई, तेरी बाल्टी आ गई। सो गाइस, दूसरी बाल्टी है, इसको यूज नहीं करता। क्या तुम क्या बोल? मास्क, बेल्ट, लीड भाई साहब, चार्जर। मुंह से बोलना, कहाँ है इसका चार्जर? हाँ बेटा, बाहर है, उधर लगा हुआ है। बोल ले कुछ फिर। कमाल है, इधर लगा हुआ है अपने रूम में। तेरा ये रहा इसका चार्जर, ऐसे उड़ गया सांप है। ये ले जा बेटा, भर जा। कैच, आज तो फुल सेवा हो रही है तेरी। कहाँ सेवा हो रही है? और क्या, बेड पे ही रोटी मिल रही है। चल घुस गया रजाई में। सुबह तो हम अपना काम करते हैं, हमारा काम तो यही है बस, बर्तन रखना, बर्तन इधर से उधर करना। अगर ये प्लेट गिरी, अरे नहीं गिरती, मींस पिरो। मैं एक बात हूँ, जब मैं वॉइस हो गिरी भी कहाँ कि सिंक में। जब मैं इसके जितना था, या जब मैं 5-6 साल का था ना, तभी मम्मा ने यही काम सिखा दिया था मेरे को करना। मतलब ऐसे सिंक में बर्तन रखो, तो अपना अपना सामान उधर रखो। तो माल इतनी जल्दी है इसमें। और ये भाई साहब, ये भी हाथ से रोटी खाता है पापा के। शर्म आती है तुझे? हद है भाई साहब, बैठा लग रही है इसको ऊपर। फोन यूज करना इसके ऊपर, कुछ पा ले भाई। हैं, इसके हाथ पे भी डला हुआ है। अच्छा, और देखो भाई ने क्या मंगाया, दिखाइयो। ये जो होती नहीं है थम स्लीव होते हैं, ये डाल के दिखाता हूँ मैं। इजी होते हैं वो, देखो जिसे मतलब गेम खेल सकते हो आराम से। ये साथ का और ये साथ का। और गैस करो कितने रुपए का आया होगा हमारे इधर, मतलब हमने दूसरी साइड से मंगाई थी, जो नॉर्मल अमेजोन फ्लिपकार्ट होती है वहाँ से मंगाया हमने, किसी और साइड से मंगाया था, और कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था। और रेट भी बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम। गैस कर लो कितना होगा जिसने, चलो 50 से प्लस है ये, 50 से कम है इतना बता देना। अगर जिसने बता दिया उसको एक प्राइज मिलेगा,
वो प्राइस हो सकता है कुछ भी। ठीक है गाइज, अभी हमारा दवाई का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर हम दवाई खाएंगे। और मुझे आज एक ग्राउंड जाना है कुछ सामान देने के लिए दोस्त को, बट मैं तो जाऊँगा। ओके गाइज, फिर मिलते हैं, जल्दी जाऊँगा ग्राउंड में। मैं अपना ग्राउंड जो अंदर से है, ये यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो रहा है बारिश की वजह से। अभी मुझे काम था थोड़ा सा, तो मैं आया था, और हम चलते हैं घर पर, फटाफट घर चलते हैं, देखो छठ ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। सो गाइज, अब हो चुका है अपना चाय का टाइम। चाय के टाइम से पहले एक बात आता हूँ, मैं गया था अभी, मतलब हमको भूख लग रही थी तो घर में कुछ ऐसा मतलब बिस्किट वगैरह भी नहीं पड़े थे, नमकीन चिप्स वगैरह तो खा सकते हम, ठीक है। तो मैं बिस्किट लेने गया, ब्लैक मैजिक नाम का एक बिस्किट मिला मुझे, ओरियो का लाइट वर्जन है, दिखाता हूँ भाई साहब। किस्मत, जब किस्मत ये बुद्धू तो क्या करेगा, बनवीटा का दुद्धू। वाह 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 वाह, ये देखो ये बिस्किट लाया था मैं, 5 रुपए का बिस्किट है, बिल्कुल सेम ओरियो जैसा, बट थोड़ा सा फर्क है खाने में, चलो इतना तो होएगा ही, क्योंकि ओरियो कहाँ और ये ब्लैक मैजिक कहाँ। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, हमारे घर पे लगी हुई है दवाइयों की दुकान, जिसको लेनी हो ले सकता है। ये देखो ऐसे सजा रखा है, देखो ऐसे 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 रूम है, ये सजा रखे ऐसे। और ये वाइट वाली मेरी है, ये खाने वाली, ये वाली मेरी है, बाकी भाई की है। ये दोनों सेम है शायद। अच्छा ये खत्म है, फेंको फिर। नहीं, हल्की फुल्की पड़ी होगी। हाँ। ये देखो ऐसे सजा रखे, ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो क्या लग रहा है। और ये अपने, उसने ये पा रखी अपने थंब ग्रिप। हाँ, आप तो छुप जाओ। और पापा बना रहे चाय। चाय विद बिस्किट, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और मैंने बनाया न्यू इंट्रो, मतलब वो जो इंट्रो था ना, जो मैं पहले यूज करता था, उसकी वजह से आ रहा था कॉपीराइट क्लेम। मुझे पता नहीं था कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, जब मुझे पता चला तब मैंने देखा कॉपीराइट क्लेम किस वजह से आ रहा है, क्या मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, म्यूजिक क्या कर रहा हूँ, बहुत टाइम से सर्च कर रहा था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करा क्यों आ रहा है, तब जाके पता चला जो वो इंट्रो के पीछे जो सॉन्ग था बेबल, उसकी वजह से आ रहा है। बताओ, उसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, और मैं हर वीडियो में डालता था वो। A few moments later. देखो 101 बुखार है भाई को, अब सो जा फटाफट, उठियो मत। उसकी शक्ल दिखा दे, शक्ल देख लो इसकी कैसी हो रही है। 101 और इसकी दवाई कहाँ रखी हुई है तूने, जल्दी का फटाफट, ये रहा पानी गरम, जो फटाफट सो जा, उठ मत जाइयो, सो जा फटाफट, आज तेरा फायदा होगा, ट्यूशन की छुट्टी होगी तेरी, फटाफट सो जा। Five hours later. So guys, अब हो चुका है डिनर टाइम, और अपने घर पे वही बना है दाल रोटी, हम सीधे बंदे और कुछ नहीं खाते ये देखो दाल रोटी, शक्कर ही नहीं यार, फरमाइश आएगी तो। पापा बोलते हैं वैसे मैं शक्कर शक्कर आज बोल रही हूँ। और आज टेबल चेयर की बजाय हम बेड पे खा रहे हैं, मेरी वजह से। अब सुबह से तो सही हो गया, ये सुबह जितना है नहीं इतना, सुबह बाजू में भी और था, टांग में भी और था। और देखो अभी भी खा रहा है पापा के हाथ से, मेरी है क्या। सो गाइस, मेरी रोटी आ चुकी, अब मैं अपना डिनर कर लेता हूँ और इस व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। सो जी, जिसने व्लॉग देख लिया वो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अपने चैनल पर। फिर मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।